मतलब कि चारागाह की ये जमीन है, सूख चुकी है जमीन, मिट्टी भी अगर हम कोशिश करें निकालें, यहाँ आएंगे, वृक्षारोपण करवाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल करवाएंगे, तमाम कोई नेता आए होंगे। आप देखिए ये पेड़ लगाया गया और पत्ती देखिए भाई साहब, पत्ती पूरी तरह से टूट सूख चुकी है, वहाँ पर हम पेड़ लगा देंगे, पेड़ उगाएंगे, जब पेड़ उगाएंगे तो धीरे से मिट्टी अंदर से खाली कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार की भी एक सीमा होती है और वो सीमा जब पार हो जाए तो चीज़ें जो है आदमी के सोच से बाहर निकल जाती है। हम बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र के एरिए में हैं और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको जो चीज़ें दिखाएंगे उसके बाद साफ तौर पर आपको लगेगा कि सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं होती हैं या कुछ लोग अपने मन से भी कोशिश करते हैं कि कुछ योजनाओं को लेकर के आगे आएं और उसमें पलीता जब लगता है तो दिल दुखता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो ये चारागाह की भूमि है और इस पर वृक्षारोपण का कार्य जो है वो करवाया गया था कुछ दिन पहले। आप बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जो गांव है वो मुसपिपरी गांव है, बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र का गांव है। कार्य का नाम भी लिखा हुआ है, चारागाह की भूमि पर वृक्षारोपण, मतलब कि चारागाह की ये जमीन है और इस पर वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो किया गया होगा। बगल में अब बाउंड्री जा रही है और आप देखिए कि तार जो है ये टूट गया है और यहाँ पर जाहिर सी बात है जब कोई देख रेख नहीं कर रहा होगा तो यही सब चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और ये उस समय बड़ी ही मेंटेन तरीके से व्यवस्था की गई होगी, बड़ा यहाँ पर लोगों को लाया गया होगा रोजगार के तहत, जो प्रधानमंत्री के तरफ से लोगों को फंडिंग की जाती है उसके तहत लोगों को भी इसमें कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर मिला होगा। पर बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है कार्य की। आप कार्य जिस उद्देश्य से कर रहे हैं क्या उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं? जी हाँ, पेड़ देखिए आप, ये पेड़ जो है ये लगा हुआ था, लगवाया गया होगा कभी वृक्षारोपण के तहत। जमीन देखिए आप, सूख चुकी है जमीन, मिट्टी भी अगर हम कोशिश करें निकालने की तो नहीं निकल पा रही, एकदम जम चुका है और कड़कती धूप है, गर्मी है और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है कि कम से कम इन पेड़ों में, जिसको लेकर के कोरोना के समय जो महामारी आई थी सबने देखा कि यही जीवनदान थे, यही जीवनदान हमारे थे, ऑक्सीजन जो देते थे उसी ऑक्सीजन से हमें जीवन मिलता था, पर इनको पानी डालने के लिए कोई नहीं है। यहाँ आएंगे, वृक्षारोपण करवाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल करवाएंगे, तमाम कोई नेता आए होंगे। आप देखिए क्या दशा है यहाँ की, साइड में आप जब देखेंगे तो ये बाउंड्री वॉल बनी होगी, इसमें भी पैसे खर्च हुए होंगे, सारी ईंटें ढह चुकी हैं, ईंटें गायब हो गए हैं और कहां गए हैं इसका कोई अता पता नहीं है। तो ये है आपको दिखाने के लिए जो जमीनी सच्चाई, जिसको ऊपर ऊपर से दिखा दिया जाता है कि हम जनता के लिए वृक्षारोपण कर रहे हैं, हम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, पर असल में क्या हो रहा है, असल में यही हो रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दिखाता हूँ आपको एक और रिपोर्ट, इसी के आप थोड़ी दूर पर देखेंगे तो मिट्टी जो है वो खुदी पड़ी है, जाहिर सी बात है मिट्टी खुदान भी इस तरफ होता है। और वो देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जरा हम आगे चलें और वहाँ का भी जो एरिया है उसको भी हम कवर करें कि आखिर यहाँ पर जो ज़मीन है इसका उपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है। बाउंड्री वॉल चारों तरफ से गई हुई है, अंदर आप देख सकते हैं, अंदर जो है मिट्टी जो है वो खुदाई के जरिए, मिट्टी खनन के जरिए निकाली गई है और ये सरकारी तंत्र का बेहद ही नायाब नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारे पेड़ सिर्फ नाम के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। और एक पेड़ देखिए जो मैंने आपको दिखाया था, ये है, ये हमारा ग्रीन भारत, स्वच्छ भारत, ग्रीन भारत हमारा, उसके तहत ये पेड़ लगाया गया और पत्ती देखिए भाई साहब, पत्ती पूरी तरह से टूट सूख चुकी है और पेड़ जो है मुरझा चुका, जैसे मैंने दिखाया था ये मिट्टी जो है पत्थर में तब्दील हो चुकी है और पत्थर पे अगर आप पेड़ लगाएंगे तो आपको ऐसे ही सूखे पेड़ मिलेंगे साहब, ऐसे ही सूखे पेड़ मिलेंगे। और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मिट्टी में किस तरह से खनन के जरिए ये सरकारी जो जिस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से योजना के तहत यहाँ पर पेड़ों को लगाने का जहाँ एक तरफ कार्यक्रम था, असल में
आप इससे एक चीज तो समझ गए होंगे कि शुरुआत में इन्होंने कोशिश की होगी कि वहाँ पर हम पेड़ लगा देंगे, पेड़ उगाएंगे, जब पेड़ उगाएंगे तो धीरे से मिट्टी अंदर से खाली कर दिया जाएगा। अब मिट्टी का देखिए मानक होता है भाई साहब, मानक कितना होता है कि कम से कम कुछ हद तक की मिट्टी जो है वो खोदी जा सके। अब मैं, मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है और मेरे ऊपर देखिए मिट्टी कितनी खुदी पड़ी है, ये आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी खनन, अवैध खनन यहाँ पर हुआ है सरकारी जमीन पर, ये गड्ढा बना दिया गया है। और यह सरकारी तंत्र का नायाब नमूना हमने आपको दिखाया ग्राम जीरो के जरिए। आप देखते रहिए, मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, GMD खबर, बक्सी का तालाब, लखनऊ।